माय न्यू चैनल व्लॉग बाय गीता शर्मा में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ निडल के बारे में, यानी कि सुइयों के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह की सुई मैं इस्तेमाल करती हूँ और किस तरह की आपको अपने घर में इस्तेमाल करनी चाहिए, कैसे कैसे कपड़ों पे इस्तेमाल करनी चाहिए। तो वीडियो को पूरा देखना फ्रेंड्स, जिससे कि आपको नॉलेज हो जाए। आप मुझे बार बार मैसेज वहां कर पूछते हैं कि कौन सी सुई इस्तेमाल करती हैं कौन से कपड़े पे, क्योंकि देखिए मैं स्ट्रेचेबल कपड़ा बहुत ज्यादा पहनती हूँ, बहुत ज्यादा यूज भी करती हूँ। लाइक्रा कपड़ा, मैं उसे लाइक्रा बोलते हैं। हर कपड़े का नाम अलग है, पर जितने भी कपड़ों का नाम मुझे पता है वो मैं आपको बताती रहती हूँ। तो लाइक्रा कपड़े का इस्तेमाल मैं ज्यादातर करती हूँ, जो मैं अपनी ड्रेसेस वगैरह बनाती हूँ या कुर्ती वगैरह बनाती हूँ, मैं ज्यादा लाइक्रा कपड़े का बनाती हूँ। इसीलिए बनाती हूँ कि उसे अगर मैं मोटी हो जाऊं तो उसे मुझे खोलना ना पड़े और पहनने में भी वो बहुत ही कंफर्टेबल होता है। हर वैरायटी में, हर रेंज में मिलता है, हर मतलब कि सस्ता भी मिलता है और महंगा भी मिलता है। अलग अलग क्वालिटी वो मैं आपको बताती जाऊंगी, चैनल पर आप बने रहना फ्रेंड्स। पांच तरह की सुइयां हैं जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, जैसे 11 नंबर की सुई होती है, एक 14 नंबर की होती है, 16 नंबर की होती है, 18 नंबर की और 21 नंबर की सुई जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर लोग नहीं लेकर आते होंगे 21 नंबर की सुई, 18 नंबर की सुई, 16 तक ही करते हैं, क्योंकि मेरे घर में भी 16 तक ही लेकर आते हैं। अगर उनको ज्यादा जरूरत होती है तो वो 18 या 21 नंबर की सुई मंगा लेते हैं। अब जैसा मैं आपको बताने वाली हूँ, जो स्ट्रेचेबल कपड़ा होता है, लाइक्रा कपड़ा जिसे कहते हैं, जो आपके घर में बच्चों की टी शर्टें हैं, हस्बैंड की टी शर्ट्स हैं, आप उस पर 11 नंबर की सुई ही चलाएं, उस पर 14 नंबर की सुई बिल्कुल ना चलाएं, क्योंकि उससे क्या होता है ना, बड़े बड़े उसमें जो आपके कपड़ा है उसमें बड़े बड़े छेद हो जाते हैं। तो आप 11 नंबर की ही सुई उसमें चलाएं, ठीक है ना। 9 नंबर की सुई भी होती है, वो भी काफी पतली आती है, वो और भी ज्यादा पतली आती है। तो 11 नंबर की सुई से आप इस तरह की टी शर्ट्स और नेट हो गया हमारा, नेट जो हम यूज करते हैं, नेट की साड़ियां, चुन्नियां, दुपट्टे वगैरह जो हम बनाते हैं, ये नेट की कुर्ती वगैरह हम बनाते हैं, उस पर 11 नंबर की सुई चलाएं। ऐसे कपड़ों पर आप 11 नंबर की सुई चलाएं, इनसे क्या होता है, बड़े बड़े जो छेद नहीं होते, इनके रेशे खराब नहीं होते हैं। अगर हम 14 नंबर की सुई यूज करेंगे इसके ऊपर तो बड़े बड़े छेद हो जाते हैं, तो ये फट भी जल्दी जाता है, ठीक है ना। इस तरह के कपड़ों पर आपको 11 नंबर की सुई का इस्तेमाल करना है। ये हो गया, जैसा कि ये हो गया, ये सब कुर्ती वगैरह मैंने अपने दूसरे चैनल पर आपको दिखा रखी है प्रॉपर पूरी। ये पूरा मैंने 11 नंबर की जो निडल है उससे सिला है, 11 नंबर की सुई से सिला है। ये काफी स्ट्रेचेबल है, ये सॉफ्ट है, काफी पतली सुई इसीलिए चाहिए ताकि इनके रेशे को अच्छी तरीके से सिलाई कर सके वो। तो 11 नंबर की सुई इनके लिए इस्तेमाल करनी है। जैसे कि इस तरह का कपड़ा हो गया कोई आपके पास, ये देखिए इस तरह का हो गया स्ट्रेचेबल में, ऐसा हो गया। जो शॉल है, मैंने ये शॉल से कुर्ती बनाई है। अगर आपके पास ऐसा कपड़ा होता है, शनील भी आप 11 नंबर से ही सीलिए, उस पर 14 नंबर यूज मत कीजिए, 11 नंबर से ही सीलिए, 11 नंबर से सिल जाता है। मैं सिलती हूँ 11 नंबर से। अब जैसे ये शॉल में से कुर्ती बनाई है मैंने, इसकी कटिंग, स्टिचिंग की वीडियो मैंने प्रॉपर अपने चैनल पर डाल दी है, फैशन बाय गीता शर्मा पर, आप वहां देख सकते हैं कैसे मैंने ये डिजाइनर कुर्ती बनाई है। तो इसमें मैंने 14 नंबर की सुई चलाई है, इस पर जहां जहां पर ये आ जाता था वहां पर मैं सुई को चेंज करती थी, 11 नंबर की सुई चलाई है मैंने, जिससे कि ये खराब ना हो। यहाँ पर शनील पर मैंने 11 नंबर की चलाई है, वैसे मैंने 14 नंबर की पूरी से, फिर पूरा 14 नंबर की से मैंने सिला है। जैसे जगह जगह धागा चेंज करना पड़ता है, ऐसे सुइयां भी चेंज करनी पड़ती है। ये आलस हम नहीं कर सकते कि सारा ही उससे सिल दो, हमें चेंज नहीं करनी है, ये आलस हमें नहीं करना है। अब जैसे कि ये इस तरह के गर्म पजामे हो गए, गर्म कुर्ती हो गई, या थोड़ा सा मोटा कपड़ा है गर्म में, तो आप उसे 14 नंबर की सुई से सिले, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। तो फ्रेंड, इस तरह के कपड़े पर, जैसे ये थोड़ा मोटा है कपड़ा, ये यहाँ से आप देख सकते हैं और यहाँ से आप बिल्कुल देख सकते हैं इस तरीके का है, तो ऐसे कपड़े पर आप 14-16 नंबर की सुई चला सकते हैं इजिली, कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रेचेबल है ये भी, इसमें से मैं बूट्स बनाने वाली हूँ, जूते या सॉक्स वगैरह मैं इसमें से बनाने वाली हूँ। ये हो गया। अगर आपको कोई बैग वैग सिलना है या कुछ आप मोटी चीजें सिल रहे हैं, बैग खासकर सिल रहे हैं, तो आप 18 नंबर की सुई का इस्तेमाल करें। और अगर आप जीन्स वगैरह सिल रहे हैं, जीन्स की जैकेट, जीन्स की पैंट या जीन्स का कोई काम कर रहे हैं, या
बैग से भी थोड़ा मोटा काम कर रहे हैं, तो आपको 21 नंबर की सुई का इस्तेमाल करना चाहिए। इसीलिए हमें सुइयों की नॉलेज नहीं होती, इसलिए हमारे कपड़े ज्यादातर नहीं सिल पाते हैं। जो पन्नी में सुई आती है, अभी मैं पास से दिखाऊंगी तो नहीं शायद आपको दिखे, जो पन्नी में सुई आती है वही सुई मैं इस्तेमाल करती हूँ। 20 से 25 रुपए का, 30 रुपए का, बल्कि ये हो गया है, पहले तो 10-15 रुपए का आता था, 30 रुपए का आ गया है, हो चुका है ये जो पत्ता है, सुइयों का जो पत्ता है वो 30 रुपए का हो गया है। तो आप और जो वैसी जो हाथ की मशीन होती है उसमें एक तरफ से जो फ्लैट होती है और एक तरफ से राउंड होती है वो वाली सुइयां चलती हैं, और उनमें भी सारे नंबर आते हैं, 11, 14, 16, 18, 21 सभी नंबर आते हैं उन मशीनों के लिए भी। ये वाली सुइयां जो गोल होती हैं, ये भी मैंने अपनी भाभी की मशीन पर चला कर देखी है, ये भी चल जाती है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं चलती है, ये भी चल जाती है। मैंने कई बार जैसे मैं चली जाती हूँ और कपड़े सिलती हूँ वहां पर हाथ की मशीन से, कि वहां पर पैर की मशीन अभी हम लोगों ने नहीं ले रखी है, तो हाथ की मशीन में मैं उनका काम कर देती थोड़ा बहुत। तो ये वाली सुई मैंने उस पर चलाई थी तो चल गई थी। और अगर इससे भी आपका सोल्यूशन ना हो कि आपका कपड़ा मतलब सिल ही नहीं रहा है, चाहे 11 की लगाओ चाहे कैसी भी लगाओ, तो आप एक बार प्लीज मशीन वाले को, किसी भी मशीन वाले को दिखाइए और उसे बोलिए कि हमारी मशीन हर कपड़े पे नहीं चलती। और हर कपड़े पे कहने का मतलब है उसको ये बोलिए कि स्ट्रेचेबल कपड़ा, कोई भी अपना कपड़ा जरूर घर से लेकर जाए, उस पर उसको सेट करवा कर लाए। क्योंकि ना जो बीच में जो एक नाल होती है, क्या बोलेंगे उसको, एक कील सी होती है लंबी सी, जिसके नीचे सुई, जो सुई की जो पूरी की पूरी कील होती है उसकी सेटिंग होती है कुछ, वो कर देते हैं और इजीली मशीन चल जाती है। क्योंकि मेरी भाभियों की नहीं चलती थी तो हमने उनकी भी सेट कराई, मैं तो सारे स्ट्रेचेबल कपड़े सिल पाती थी, वो नहीं सिल पाते थे। तो एक बार हमने मशीन वाले को दिखाया और बोला कि भाई ये सब चीजों पे सेट नहीं होती, तो उसने ऐसी सेटिंग की है उसकी कि वो सभी चीजों पर चल जाती है, स्ट्रेचेबल पर भी चल जाती है। बट कोशिश करें कि स्ट्रेचेबल पर 11 नंबर की ही सुई चले। एक स्ट्रेचेबल कपड़ा तो मेरी मशीन में नहीं चलती, जो ये आती है हमारी जो नाइटी हो जाती है, कई बार हम लोग खरीद लेते हैं लालच में कि चलो यार 150 की एक आ रही है, 150 की दो आ रही है, हम खरीद लेते हैं, उस पर मेरी मशीन भी नहीं चलती। कभी उस पर अल्ट्रेशन करनी पड़ जाए तो क्या करना पड़ता है, मुझे भी नीचे न्यूज़पेपर रखना पड़ता है, कुछ भी न्यूज़पेपर रखो या वैसा कागज रखो वो रखना पड़ता है, ऊपर की तरफ रखना पड़ता है, तब जाकर सिलाई होती है। ऐसा इन कपड़ों पर भी कई बार हो जाता है, सब तरफ सिलाई हो जाएगी पर लेकिन जो अपोजिट साइड आ जाएगा, मान लीजिए सीधे सीधे पे सिलाई चल रही है बिल्कुल, और जैसे मतलब सीधे पर चल रही है, और आड़े पर अगर मैं चलाने लगूं तो उस पर नहीं चलती है, बिल्कुल भी नहीं चलती है। ऐसा हो जाता है कई बार, किसी किसी कपड़े पर होता है, पर ये ज्यादातर ऐसे हर कपड़े पर नहीं होता। थोड़ा सा अगर आपका कपड़ा अच्छी क्वालिटी का होगा, थोड़ा महंगी क्वालिटी का होगा, महंगी का मतलब ये नहीं है कि 400-500 रुपए मीटर होगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, 100 रुपए मीटर भी होगा, मान लीजिए 30-40 रुपए मीटर वाले कपड़े पे, तो देखिए मेरी भी मशीन इजीली नहीं चलती, किसी किसी कपड़े पर चल जाती है 30-40 रुपए मीटर वाले पर। जैसे मैं शमीज बना रहे हैं हम लोग, जैसे हम पेटीकोट बना रहे हैं हम लोग, ऐसे पे मुश्किल से चलती है, पर जब 100 रुपए की रेंज में मैं स्ट्रेचेबल कपड़ा खरीदना शुरू करती हूँ तो मतलब उनमें चलती है, कोई दिक्कत मुझे नहीं हुई आज तक। इसीलिए मैं आपको ये नॉलेज दे रही हूँ कि ऐसी ऐसी सुइयां आप अपने घर में रखें और ऐसे ऐसे कपड़ों पर इस्तेमाल करें। ऐसी ही बहुत सारी नॉलेज मैं आपको देती रहूंगी आने वाली वीडियोस में भी, हर चीज एक एक बारीकी से बताऊंगी, और भी जो मैं अपनी लाइफ में भी कोई चीज अगर यूज करती हूँ और वो अच्छा है उसका रिजल्ट, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। अभी मैंने आंवला पाउडर बनाया फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे को आंवला पाउडर मिल नहीं रहा था कहीं से भी। देखिए ऐसा नहीं है आप कहेंगे कि क्यों नहीं मिलता, ये तो यहाँ भी मिल जाता है, वहां भी मिल जाता है, हाँ मिल जाता है सब जगह, बट मैंने जैसे कई जगह अपने बेटे को भेजा नहीं मिला, तो मैंने क्या किया, मैंने आंवला जो पाउडर है बिल्कुल 100% एकदम ओरिजिनल मैंने घर पर ही बना लिया है। वो उसकी वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे मैंने आंवला पाउडर घर पर ही बनाया, मुझे मार्केट से लेना ही नहीं पड़ा, ये बहुत अच्छा रहा। एक बार मैंने आंवला पाउडर लेने के लिए भेजा कि मुझे मेहंदी में लगाना है, आंवला चूर्ण ले आया और मैंने भी उसको पढ़ा नहीं, देखा नहीं, कुछ नहीं, वो डब्बी उठाई उसमें से मैंने मेहंदी में डाल दिया। जब मेहंदी भीग भीग गई तब मैं आई देखने के लिए, मैंने कहा यार चूर्ण और मतलब पाउडर में तो फर्क होता होगा, उसमें सब कुछ पड़ा, मैंने उसमें हल्का सा नमक का टेस्ट था पर वो मैंने डाल नहीं दिया था, वो मेहंदी भी मुझे फेंकनी पड़ी क्योंकि उसमें नमक था।
तो ऐसी गड़बड़ मैंने की थी, तो अब मुझे बड़ा दिक्कत हो रही थी, मैंने आंवला पाउडर बनाना सीख लिया, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँ। ये जो कुर्ती है ये भी मैंने 14 नंबर की सुई से ही सिली है। अगर आप इसकी पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दूंगी, और इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दूंगी आपको। आप देखना कैसे मैंने ये कुर्ती बनाई है, एक छोटे से शॉल में से मैंने बनाई है। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आती है और ये नॉलेज पसंद आती है, ऐसी ही अच्छी अच्छी नॉलेज मैं आपको देती रहूंगी अपने चैनल पर, और आप मेरे दूसरे चैनल पर भी जाकर विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं नए नए अच्छे अच्छे कुर्तियों के डिजाइन, गाउन के डिजाइन, पुरानी साड़ियों का यूज आप उस चैनल पर भी देख सकते हैं। तो जुड़ जाइए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में कुछ और नया लेकर। बाय फ्रेंड्स, बाय।